अमरनाथ यात्रा के लिए आज जम्मू के भगवती नगर से पहला जत्था जो है वो कश्मीर के लिए रवाना किया गया, और कश्मीर में भी इन यात्रियों का किस तरह से स्वागत किया गया है वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन कुलगाम से इस वक्त हामिद इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, जो कि इस वक्त जो है वहां पर मौजूद हैं, जहां से ये तमाम जो यात्री हैं इनकी गाड़ियां जो है वहां से गुजर रही हैं। 176 के करीब गाड़ियां जो है वो आज जो है जम्मू के भगवती नगर से रवाना की गई हैं। हामिद, हमें बताइएगा कि किस तरह का उत्साह, किस तरह का जोश जो है इन यात्रियों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने देखा है तस्वीरों में भी कि जो भी गाड़ियां जिस भी इलाके से गुजरती हुई नजर आ रही हैं, तमाम जो यात्री हैं वो कहीं ना कहीं जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ मैम, बिलाखिर तो 2 साल के बाद ये यात्रा सफल हो गई। भोलेनाथ ने अपनी कृपा दिखाकर अपने श्रद्धालुओं को कश्मीर बुलाया। आखिरकार इस ये यात्रा जो थी कुछ कमी पाई जा रही थी, यहाँ के मुकामी लोगों को लग रहा था कि कुछ कमियां है जो कि इस साल अब पूरी हो गई। काफी सारे काफिले यहाँ से गुजर गए। इस वक्त हम काजीगुंड के नेशनल हाईवे पे है जहाँ से ये गाड़ियां गुजर रही है। बाहिफाजत कड़ी सिक्योरिटी के इंतजाम है, बाहिफाजत इनको यहाँ पे लाया गया और ये बखुशी खुशी यहाँ से जा रहा है। और मुकामी लोगों में काफी जोश खरोश भी पाया जा रहा है क्योंकि ये यात्रा 2 साल से बंद पड़ी थी, आज ये यात्रा शुरू हो गई और यहाँ के मुकामी लोग भी इनका वेलकम भी कर रहे हैं, जो कि यहाँ से अब वो पवित्र गुफा की ओर रवाना हो गए। जी बिल्कुल हामिद, और जिस तरह से जो यात्री हैं उनमें तो उत्साह देखा ही जा रहा है, लेकिन जिस तरह से आपने भी बताया कि जो वहां के मुकामी लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इन यात्रियों का वेलकम करने के लिए जो है काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ वहां पर प्रशासन की बात करते हैं, तो क्या कुछ तैयारियां जो है वहां पर प्रशासन की तरफ से की गई हैं इन यात्रियों के लिए? यात्रियों के लिए तो हर एक सुविधा रखी गई है। जहाँ पे 10 कदम के दूर या 50 मीटर के दूर पे वहाँ पे इनके लिए मेडिकल सहूलियत रखी गई है, पानी का इंतजाम किया गया है। जो भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, कुलगाम का डीसी है या वहाँ का एसपी है या एडिशनल एसपी है, जो भी अधिकारी है वो यहाँ पे मौजूद थे इनका वेलकम करने के लिए। और मुकामी लोगों ने भी काफी कुछ इंतजाम किए। आपने को याद होगा कि 2014 में जब यहाँ पे एजिटेशन चली थी उस टाइम जो कि जब यहाँ का बाजार सारा बंद था, मगर अनंतनाग के लोगों ने पानी मुहैया रखा और कश्मीर की रिवायती जो तहरी है वो यात्रियों के लिए मुहैया रखी। यात्रियों ने भी वो खा लिया और वो पानी भी पी लिया, क्योंकि ये जो यहाँ पे की बरादरी है, हिंदू मुस्लिम बरादरी है, वो कभी भी नहीं टूटेगी। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ के लोग जो है वो भी उसमें इसमें कमाई करते हैं, क्योंकि वहाँ पे घोड़े बांध भी है या टेंट वाले हैं या बाकी लोग जो है या होटल वाले हैं, उनको भी काफी सारी आमदनी इस यात्रा से मिलती है। और लोगों को भी आज तक लग रहा था कि काफी कुछ कमियां हैं कि जो इस यात्रा ने पूरी कर दी है। अब यहाँ से जो यात्री जा रही है, बड़ा जोश खरोश यहाँ के लोगों में भी है और उत्साह भी है, और जो यात्री आ रहे हैं वो भी बहुत खुश है तो ये इस यात्रा को हम सफल करने में कामयाब हो गए और पवित्र स्थान की ओर हम कूच कर रहे हैं। जी बिल्कुल हामिद, और वो भाईचारा, वो प्यार जो है वो भी देखने को मिल रहा है, जिस तरह से उत्साहित जो है वहाँ के मुकामी लोग हैं और जिस तरह से स्वागत के लिए उत्सुक जो है वो नजर आ रहे हैं। चलिए हामिद, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। और जिस तरह से जो है हमारे संवाददाता हामिद इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, जो कि काजीगुंड जो नेशनल हाईवे है वहां से जो है हमें तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से वहां से जो जम्मू से जो आज गाड़ियां रवाना की गई हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, वो गाड़ियां वहां से जो रवाना हो रही हैं, यात्रियों में उत्साह है, और वहां पर भी क्या कुछ तैयारियां की गई हैं उसका भी पूरी तरह से जो जानकारी है वो हमारे संवाददाता हामिद ने जो है हमें दी है। लेकिन कुछ और तस्वीरें इस वक्त हमारे पास पहुंची हैं जो यात्रियों की जो उत्साह जो है वो पूरी तरह से बयां करती खुशी हैं, वो होता तस्वीरें भैया भी आप आप लोगों का सहयोग है। भोले 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 की भोज, भोले की भोज, भोले की भोज, भोले की भोज, जय बाबा वीर बजरंगी, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले।